रुक करते हैं सीएम आवास से। स्वाति मालीवाल का नया वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में सीएम आवास से स्वाति मालीवाल को बाहर ले जाते दिखाई दे रहे हैं सुरक्षाकर्मी। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने यह वीडियो जारी किया है। जारी नया वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है, आप भी देखिए। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस का सच क्या है? क्या वाकई स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है? क्या सीएम हाउस में विभव ने स्वाति के साथ मारपीट की? इन तमाम सवालों के जवाब स्वाति मालीवाल के इस मेडिकल रिपोर्ट में है। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति की दाहिनी आंख के नीचे चोट के निशान है। स्वाति के बाएं पैर में भी चोट के निशान मिले हैं और स्वाति के दाहिने गाल पर चोट के निशान है। लेकिन आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी सूत्रों के हवाले से 13 मई का जो वीडियो सामने आया है उसमें स्वाति मालीवाल को साफ साफ देखा जा सकता है। वीडियो में सीएम हाउस की सिक्योरिटी में तैनात एक महिला स्वाति का हाथ पकड़कर उन्हें सीएम हाउस से बाहर लाती दिखाई दे रही है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 13 मई का जो वीडियो है उसमें स्वाति ठीक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब मेडिकल के लिए गई तो लड़खड़ा कर चलती हुई दिखाई दी। सौरभ भारद्वाज ने स्वाति के इस दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए। वहीं आतिशी ने स्वाति पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा दिया। 13 तारीख का एक वीडियो आया है जिसके अंदर सुरक्षा कर्मियों ने उनको सीएम साहब के घर के बाहर छोड़ा, उसके अंदर वो ठीक ठाक दिख रही हैं, ठीक ठाक चल फिर रही हैं। 13 तारीख को जब उनके द्वारा कथित बात में इतना मार पिटाई करने के बाद तो वो ठीक ठाक चल रही हैं, और कल 17 तारीख को 4 दिन बाद जो उन्होंने मेडिकल कराने गई और 164 का बयान दर्ज कराने कोर्ट गई, उसके अंदर वो इतना आराम आराम से लंगड़ा के चल रही हैं जैसे कि उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है। ये विरोधाभास है। इन दोनों वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। कुल मिलाकर स्वाति मालीवाल केस में अब आम आदमी पार्टी अब अपनी ही सांसद पर सवाल उठाने में जुटी है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी का की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री हो या मंत्री का सांत्री हो, ये अधिकार तो नहीं है कोई महिला पे अत्याचार करे, कोई महिला पे अन्याय बर्ताव करे, चाहे वो महिला एमपी ना भी रहे, एमएलए ना भी रहे, महिला तो महिला होते हैं, कोई भी महिला पर इस तरीके की अत्याचार, इस तरीके की उनकी सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है, तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में आम आदमी पार्टी घिरती दिखाई दे रही है। लगातार नए वीडियो सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, महिला सांसद के साथ खड़े रहने की जगह अब आम आदमी पार्टी अपनी ही नेता को बीजेपी का एजेंट साबित करने में जुट गई है।